अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ग्रीन झींगा पुलाव की रेसिपी, जो बहुत ही टेस्टी बनता है और ये सभी को बहुत पसंद आएगा, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने ली है 2 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 7 से 8 कली लहसुन की और आधा कप लिया है हरा धनिया। इसे हम ग्राइंड करेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। तो हम एक मिक्सर जार में ऐड कर देंगे हरा धनिया, अदरक, हरी मिर्च और लहसुन की कलियाँ। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी और इसे ग्राइंड करके इसका पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए पेस्ट मैंने बना लिया है। अब हम एक कुकर गरम करने रखेंगे और उसमें ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच तेल। तेल को अच्छा गरम होने देंगे। तेल गरम होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाले। तो 1 बड़ी इलायची, 1 स्टार फुल, 1 हरी इलायची, 4 से 5 ऐड करेंगे लौंग, 7 से 8 ऐड करेंगे काली मिर्च, 7 में ऐड करेंगे 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 तेज़पत्ता और 1 मीडियम साइज़ की प्याज कटी हुई। प्याज को हम भून लेंगे लाइट गोल्डन कलर होने तक। तो ये देखिए गोल्डन कलर आ गया है प्याज को, इतना हमें भून लेना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे झींगा। तो झींगा को मैंने साफ कर लिया है, मिक्स करेंगे और 1 मिनट के लिए हम झींगे को भी भून लेंगे, ताकि जो झींगे की रॉ स्मेल है वो नहीं आएगी। बस हमें 1 मिनट तक ही झींगे को भूनना है। और ये 1 मिनट तक मैंने झींगे को प्याज के साथ भून लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने मसाला रेडी किया था वो। मिक्स करेंगे, साथ में ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर और फिर से हम इसे 1 मिनट के लिए भून लेंगे, ताकि अदरक लहसुन का भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो ये अच्छी तरह से 1 मिनट तक देखिए मैंने भून लिया है तेल छूटने तक। अब हम इसमें ऐड करेंगे कोकोनट पेस्ट। तो यहाँ पर मैंने नारियल को जो है वो पीस लिया है, या आप चाहे तो ग्रेटेड भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून जितना नारियल का इस्तेमाल किया है। साथ में ऐड करेंगे 1 मीडियम साइज़ का टमाटर कटा हुआ। झींगा पुलाव में कोकोनट का बहुत ही अच्छा एक टेस्ट आता है और फ्लेवर आता है, तो आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे धुले हुए चावल। तो यहाँ पर ये मैंने लिया है 1 ग्लास राइस। यहाँ पर मैंने कोलम राइस का इस्तेमाल किया है, जिसे अच्छे से वॉश कर लिया है। और ये देखिए पानी मैंने नाप लिया है चावलों के 1 इंच ऊपर तक। तो पानी के साथ हम चावलों को ऐड कर देंगे। आप अगर ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो हरी मिर्च की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। चावल के साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार। मिक्स कर लेंगे। और ये अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। अब हम कुकर की लिड बंद करेंगे और हाई फ्लेम पर हम इसमें 2 प्रेशर ले लेंगे। 2 प्रेशर आने के बाद तीसरा प्रेशर आने से पहले ही हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और पूरा प्रेशर हम नॉर्मल होने देंगे। ये देखिए पूरा प्रेशर नॉर्मल मैंने होने दिया है। उसके बाद हम कुकर की लिड ओपन करेंगे और ये हमारा झींगा पुलाव बनकर तैयार है, जो बहुत ही खिला खिला बहुत ही टेस्टी बनता है। और ये ग्रीन मसाले का झींगा पुलाव का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इसमें हमने नारियल का इस्तेमाल किया है, उसका एक फ्लेवर आता है। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया हमारा झींगा पुलाव बनकर तैयार है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।